आज हम बनाएंगे डिब्बी वाली आइसक्रीम। अक्सर बाजार से हम ये आइसक्रीम खाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को तो अधिकतर पसंद आती है, तो क्यों ना इस आइसक्रीम को हम घर पर ही बनाकर तैयार करें। इसके लिए आपको कोई भी क्रीम वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के सामान से ही बनकर तैयार होगी। इसके लिए पैन में 1 गिलास हमने फुल क्रीम दूध लिया है, वजन से है लगभग 300 ml। इसके लिए कोई भी दूध ले सकते हैं आप जो घर में आता हो आपके रेगुलर। तो यहाँ पर दूध को मलाई के साथ मैंने लिया है जिससे आइसक्रीम का बढ़िया टेक्सचर आएगा। अब 1 कटोरी मैंने 1/4 कप दूध अलग से ले लिया है। इसमें 2 चम्मच भरकर हम गेहूं का आटा डालेंगे, तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आटा डाल रहे हैं तो आइसक्रीम कैसी लगेगी। बेफिक्र होकर डालिए, आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये आइसक्रीम घर पर ट्राई की है तो सोचा कि आपके साथ में भी शेयर कर दूँ। अब यहाँ पर दूध को चलाते हुए एक बॉईल आ चुका है दूध के अंदर। अब आटे के घोल को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर लेंगे, तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ पर मध्यम फ्लेम रखें आप। इसी के साथ मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी का कोई मेजरमेंट नहीं है, अपने हिसाब से डाल दीजिए। आइसक्रीम वैसे मीठी ही अच्छी लगती है, तो 1/4 कप चीनी मैंने ऐड की है और उसके कंटिन्यूसली चलाना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है जिससे आइसक्रीम में बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है, आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल गया है। मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए चलाया है और पैन को हम नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। अब एक मिक्सी के जार में दूध को डालकर ग्राइंड करेंगे। तो पूरा मिक्सचर मैंने डाल दिया है जार में। तो यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद में जमाने के लिए मैंने डिब्बियाँ ली है, तो इनमें हम मिक्सर को भर देंगे। और यहाँ पर एक बटर वाली डिब्बी भी मैंने ली है। तो अभी हम आइसक्रीम को फाइनल नहीं जमा रहे हैं, बस 5 से 6 घंटे के लिए इसको हम फ्रीज करेंगे जिससे कि आइसक्रीम 60-70% तक जम जाएगी। अब इन पर ढक्कन लगाकर हम इनको फ्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर 6 घंटे बाद आइसक्रीम जो है वो आधी जम चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आइसक्रीम नहीं जमी है, बस आधी ही जमी है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में आइसक्रीम को फिर से डालकर चर्न करेंगे। तो 2 बार आइसक्रीम को चलाने से आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार होगी। तो जार में डालकर फिर से चर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको चन कर लिया है और मिक्सर को हमने डिब्बियों में आधा आधा भर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा नहीं भरेंगे, आधा आधा डिब्बियों को हम भर लेंगे। फिर से हम इन पर ढक्कन लगा देंगे और जो मिक्सर बचा है उसे 1 कटोरी में भर के अब इन्हें हम फिर से 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही जम जाएगी इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो कटोरी वाला मिक्सर है उसमें हम कुछ बूंदे पिंक फूड कलर की ऐड करेंगे, तो मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया पिंक कलर आया है। अब यहाँ पर जो डिब्बियाँ हमने जमाई थी उनमें हम आधा आधा ये पिंक कलर वाला जो मिक्सर है उसे हम भर लेंगे। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया डबल लेयर वाली आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार होगी। तो सभी डिब्बियों में इस तरीके से भर लेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर रात भर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम बहुत बढ़िया से सेट हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट जो आइसक्रीम का आया बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनी है।
लग रही ना एकदम बाजार जैसी डिब्बी वाली आइसक्रीम, तो खाने में भी एकदम क्रीमी लगेगी। अब जो बटर वाली, जो हमारी बटर वाली डिब्बी की जो आइसक्रीम है, उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसे मैं काट कर दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत ही बढ़िया सेट हुई है आइसक्रीम। क्या कोई कह सकता है ये आइसक्रीम हमने घर पर इतने सस्ते में बनाकर तैयार की है सिर्फ एक गिलास दूध से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।